जय जगन्नाथ। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होगी, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक को लेके। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे और फिर एक लव मैसेज भी लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये रहा लव मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। देखते हैं क्या है। अब पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पैंट्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करने वाले हैं। अब ये बर्डन जो है वो उनके पैशन का है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। अगर आप तक वो ये पैशन नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें इस बोझ को कैरी करना पड़ेगा और यही हो रहा है इनके साथ, क्योंकि उनके दिल में तो आपके लिए जज्बात है और उस जज्बात के साथ उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये पैशन अगर आपके लिए है तो ये आपको देना ही सही रहेगा, लेकिन ये पर्सन एक्शन लेंगे तब ये आप तक पहुंचेगा। तो अब ये पर्सन 10 मतलब कम्प्लीशन का भी कार्ड होता है, तो इस बर्डन की एनर्जी से निकलने वाले शायद लग रहे हैं आपके पर्सन, यानी कि कुछ भी करके। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पर्सन बहुत कोशिश करके इस बर्डन को उठाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन एक्शन लेने की मोड में है ताकि इस बर्डन की एनर्जी से निकल सके और ये बर्डन वो खाली कर सके, यानी कि अपने जो जज्बात है वो आपको बयां कर सके। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। तो मून मतलब थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपने ही इमोशंस को थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं, मतलब अपने दिल को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चांद को भी देखते हैं तो उन्हें आपका चेहरा याद आता है। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन जब भी रात में अकेले होते हैं और चांद की तरफ उनकी नज़रें जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंसर का जैसे एक कार्ड है, तो ये जो क्रैब होता है वैसे ही उन्हें वो जज्बात है वो काटने दौड़ते हैं।
ऊपर से यहाँ पे दो छोटे डॉग दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो लेडीज़ है, तो वैसे ही उन्हें जैसा लगता है कि दुनिया में हर कोई एक दूसरे के साथ है, सिर्फ वही है जो अकेले है। और इस अकेलेपन की एनर्जी में शायद ये पर्सन खुद को ज़्यादा महसूस करेंगे, जिस वजह से इस बर्डन को नहीं उठा पाएंगे, और हो सकता है उसी वजह से आपको टेक्स्ट करे या कॉल करे या मिलने के लिए पूछे। नेक्स्ट है 10 of Cups, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पिसेस। तो आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं ये पर्सन, यानी कि दिल में उनके आपके लिए ढेर सारे जज्बात हैं, बहुत सारा प्यार है, लेकिन अगर ये प्यार आपके साथ वो शेयर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 का कार्ड आया, यहाँ पे भी 10 का कार्ड आया है, मतलब 10-10 तो है ही, लेकिन उन्हें पता है कि दिल में जज्बात होने से कुछ नहीं होता, उन जज्बात को किसी के साथ शेयर भी करना पड़ता है जिसके लिए वो जज्बात है, तभी जाके वो हैप्पीनेस मिल पाता है। और अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो चांसेस है कि आपसे वो कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 2 of Cups, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पिसेस। तो क्यों कांटेक्ट करेंगे? क्योंकि आपको ये कप देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपसे भी वो प्यार पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग भी मिल रही है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन अब जाके कहीं आपकी तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है द डेविल। तो आपके लिए पैशन तो ढेर सारा है, ये पहले ही कार्ड में हमने देखा। पैशन मतलब क्या? कि सेक्सुअली थॉट्स ज़्यादा हैं, रात के वक्त भी वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो रात के वक्त क्या सोचते होंगे ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके लिए ढेर सारा पैशन फील करते हैं, इसलिए आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे डेविल के कार्ड में आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपके पर्सन के मन में कैसे थॉट्स आते हैं रिगार्डिंग हिज और हर फीलिंग्स। ढेर सारा पैशन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर है, मतलब कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो है लेकिन फिर भी आगे की तरफ बढ़ने के लिए डर लगता है। प्यार का नेक्स्ट कदम अगर हम काउंट करें कि शादी है, तो शादी के बाद एक दूसरे के तो होना ही है, ये तो उन्हें पता ही है, लेकिन इन ड्रीम्स इन थॉट्स वो ऑलरेडी आपसे इतने क्लोज फील करते हैं कि उन्हें लगता है कि आप दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते एक चेन बंधी हुई है, वैसे ही उन्हें कुछ बातें हैं जो रोके रख रही है, जिसकी वजह से वो आप तक अपने जज्बात पहुँचाने में शायद ये बर्डन फील कर रहे थे, लेकिन अब वो इस बर्डन से ऑलमोस्ट निकल पाएंगे, क्योंकि 10 का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि 10 of Cups का भी कार्ड आया है। तो चांसेस है कि उस बर्डन से वो निकल जाएंगे, मनी इशू। तो मे बी आने वाले 48 आवर्स में ये पर्सन कुछ मनी इशू भी फेस करेंगे, मे बी कुछ प्रैक्टिकल बातें चल रही है उसके बारे में भी काफ़ी सोचेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल थिंग्स। तो हर कोई प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में सोचता ही रहता है इन जनरल, जैसे इमोशंस दिल के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल बातें भी ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, जिसमें आता है पैसा, करियर, फैमिली, सब कुछ, मतलब जो इन मटेरियल थिंग्स में आता है वो भी। तो उन सब बातों के बारे में भी ये पर्सन सोचने वाले हैं, जैसे ही अभी मैंने कहा फैमिली के बारे में भी कुछ शायद ज़्यादा सोचने वाले हैं। मे बी चांसेस है कि आपको अपनी फैमिली में अगर जोड़ना चाहते हैं तो अपने फैमिली वालों के साथ कुछ डिस्कस करें। नेक्स्ट है पनिशमेंट। तो आपसे मिलने वाली जो दूरियां हैं वो उन्हें पनिशमेंट की तरह लग रही है, जिसकी वजह से वो अब और इस पनिशमेंट को नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि उन्हें ये बहुत बड़ा बोझ लग रहा है। मूव ऑन। तो आपके साथ मूव ऑन होने की एनर्जी में फाइनली ये पर्सन अब जाके कहीं पहुँचने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कदम आगे बढ़ाया है, तो ये आपके तरफ कदम बढ़ाने के लिए शायद अब एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं या आ चुके हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी, इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल्स एंड मेमोरी।
मतलब उन्हें पता है कि आप सिर्फ मटेरियल थिंग्स को इम्पोर्टेंट देने वाले में से हैं नहीं, आप उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी जानने के बारे में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं या रहती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आपको वो सब बातें बोरिंग भी नहीं लगती और ना ही उनसे जुड़ी कोई मेमोरी वो भी आपको ऐसे नहीं लगती कि क्यों खामखा मैं इसके बारे में सुनूं। यानी कि आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उनकी हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और साथ ही साथ आपके पर्सन की मेमोरीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भले ही उनकी कोई भी याद हो जो आपसे वो शेयर करते हैं, लेकिन आप उन्हें भी संभाल के रखती हैं, यानी कि आप उन बातों को भी याद करके रखते हैं कि आपके पर्सन ने क्या कहा था, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। ऐसी छोटी मोटी हर एक डिटेल आप उनके बारे में सेव करके रखती हैं या रखते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को एहसास होता है कि आप उनकी हर एक छोटी सी बात को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये भला कोई क्यों देता है, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए वो इतना ढेर सारा प्यार है। अगर इतना प्यार है तो अब इस पर्सन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपके लिए अगर इतना सारा प्यार फील करता है तो आप तक अपने जज्बात पहुँचाए, और शायद इसी एनर्जी की वजह से अब वो एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्टे पॉजिटिव। आपके पॉजिटिव रहने से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं टेलीपैथी के ज़रिए आपके पॉजिटिव रहने की वजह से उस पर्सन को आप तक रीच आउट होने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। स्टेप पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक को लेके। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए रहने वाले हैं। एक के बाद एक ख्याल उनके दिल पे हावी होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा डूब गए हैं अपने खुद के ख्यालों में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेड कलर काफ़ी ज़्यादा है, जो इंडिकेट करता है प्यार को। तो ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं और आपके प्यार में और भी ज़्यादा खोने वाले हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपके लिए कुछ काम पूरा कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, जिसको देख के वो चाहते हैं कि आपको एक तरह की खुशी मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टार्स हैं, तो हो सकता है आपने अपनी कोई विश उनको बताई थी और उसी विश को इस पर्सन ने पूरा किया है अपनी मेहनत से, और इसीलिए शायद वो अब आपको उस सरप्राइज़ को देने के मोमेंट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो देखना चाहते हैं कि आपको उस सरप्राइज़ को देख के कितनी खुशी महसूस होती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपको नेकेड काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं एंड ये सब हो रहा है, उनकी इमेजिनेशन इस तरह से हो रही है क्योंकि ये फायर एनर्जी है। तो पैशनेट थॉट की वजह से ये पर्सन इस तरह से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके बिना ये ज़िंदगी उन्हें बहुत खालीपन महसूस करवा रही है, जिसकी वजह से मोस्टली रात का जो वक्त है वो उन्हें काटने दौड़ता है, और ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह से आपके पैशन में डूब चुके हैं। नेक्स्ट है द लवर्स, ये कार्ड क्या कहता है ये तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पर्सन इस तरह से आपके क्लोज आना चाहता है, ऑलमोस्ट शायद वो अपने रोज़ के ड्रीम्स में आपको इतना क्लोज शायद महसूस करते हैं। ये उनका सपना हो सकता है जो हकीकत बनने के लिए वो सोचते रहते हैं, और इसी वजह से उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ पैशनेट थॉट्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये रही रीडिंग टैरो की नेक्स्ट 48 आवर्स की टूर। तो ये पर्सन शायद किसी टूर पे जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ प्लान आउट करने के बारे में सोच रहे हैं,
या फिर अगर वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो एक टूर के ज़रिए आप तक रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, दिन रात अगर ये पर्सन आपके बारे में इस तरह से सोचेगा और आपसे मिलेगा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा तो होगा क्या? वही हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और नेक्स्ट 48 आवर्स इस पर्सन को शायद ये फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होने वाला है। कॉन्फिडेंस, तो उन्हें पक्का यकीन है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए इस तरह के जज्बात हैं, वैसे ही आपके दिल में भी उनके लिए जज्बात हैं। इस बात पे इस पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस है। बर्डन, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो इस पर्सन को बर्डन दिला रही है, यानी कि वो उनके दिल को एक बोझ महसूस करवा रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह से फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग अगर हम देखें तो ये पर्सन शायद इस बर्डन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से और भी ज़्यादा पैशनेटली सोचने वाले हैं आपके बारे में। एंगर, तो मे बी इस फ्रस्ट्रेशन और बर्डन की वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, यानी कि आप अगर उनसे बात करें तो आपको संभाल के रहना पड़ेगा। थोड़ा सा दूरियों की वजह से इस पर्सन को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो आपके क्लोज़ रहना चाहते हैं और आप अगर आप उनसे दूर हैं तो वो प्यार टर्न हो रहा है गुस्से में, तो ये गुस्सा भी आपके लिए ही है और ये प्यार का ही एक दूसरा रूप है। तो जस्ट बी केयरफुल, आपको सिर्फ खामोश रह के उनकी मोमेंट को यानी कि उनके दिल को समझने की कोशिश करनी है और उनको ये एहसास दिलाना है कि आपके दिल में सच में उनके लिए क्या है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर माई बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू। ये अगर उनका सपना है कि आपके वो इतने क्लोज फील करते हैं, यानी कि आपके लिए ढेर सारा प्यार भी फील करते हैं, तो इस पर्सन को ये सपना ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पे लग रहा है और उन्हें यही लगता है कि आप उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। यू आर माई बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू, मतलब वो सपना जो हकीकत बन के उनके सामने आया है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।